मेरे प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। आज एक बेहतरीन सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं और शुरू से ही हमारा मकसद रहा है कि जब भी हम लोग क्लास लें तो बिल्कुल बेसिक से आपको हम समझाएं। ठीक है, आज का क्लास रीजनिंग क्लास है। ठीक, आज का क्लास रीजनिंग है और इसमें हम जीरो लेवल से आपके लेवल तक, आपके लेवल मींस आपके एग्जाम के लेवल तक लेकर चलेंगे। ठीक है, और ये क्लास सिर्फ CRPF या फिर BSF वालों के लिए ही नहीं बल्कि सारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, यानी सारे CAPF के लिए है। और CAPF में 5 फोर्सेस आते हैं, BSF, CISF, CRPF, ITBP और SSB। ठीक है, और ये जो क्लास होगा ये इन फोर्सेस में जो एग्जाम लिए जाते हैं LDC और ओपन एग्जाम, उसी के लिए होगा। और यहाँ पे हम वही लेवल बताएंगे जो आपके CAPF में कांस्टेबल से लेकर SIGD तक पूछे जाते हैं, SIGD LDC तक पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्लास शुरू करने से पहले जो लोग YouTube पर मुझे देख रहे हैं, आप अगर कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टोटल एग्जाम के एप्लीकेशन को जाइए, गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड कीजिए और गूगल प्ले स्टोर में ये आपको आइकॉन दिखाई देगा, लोगो दिखाई देगा। टोटल एग्जाम के 2 लोगो हैं, एक ये और दूसरा ये लोगो। ठीक है, दूसरी चीज है कि क्लास जब भी आप देखें किसी भी टीचर के, तो आप कॉपी प्लस पेन लेकर जरूर बैठे, और वो कॉपी आपका होगा रफ कॉपी, और रफ कॉपी के अलावे एक आपको फेयर कॉपी बनाना है। ठीक है, क्लास के बाद आप रिवीजन करने के बाद आप उसको नोट डाउन कर लेंगे ताकि अंत समय में आप बेहतरीन तरीके से उस चीज को रिवाइज कर सके। क्लियर है, मैक्सिमम हम लोग रिकॉर्डेड, यानी सबसे पहले टीचर रिकॉर्ड करते हैं क्लास को फिर देते हैं। इसमें आपको क्या होता है, ज्यादातर हम लोग लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लास देते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास में क्या होता है, आपको HD क्वालिटी मिल जाता है। ठीक है, सर्वर का जो परफॉर्मेंस होता है वो बेस्ट होता है। ठीक है, अब लाइव क्लास भी हम लोग कराएंगे, बीच बीच में लाइव क्लास भी चलती रहेगी। ठीक है, और जो प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कराएंगे टोटल 15। ठीक है, लास्ट के 15 दिन हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे, यानी डेली एक प्रैक्टिस सेट कराएंगे। क्लियर है, दूसरी चीज है रीजनिंग में क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, रीजनिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, इसे हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षा। ठीक, और ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तमाम टोटल एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो डिफेंस का हो या फिर चाहे SSC का हो या रेलवे का हो या UPSC का। ठीक है, या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम, सारे एग्जाम में आपको इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट पूछे जाते हैं। लेकिन अंतर यह हो जाता है कि आपका जो सिलेबस है इंग्लिश अल्फाबेट में तो कुल 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें BSF, CISF, CRPF,
आईटीबीपी, एसएसबी, इन फोर्सेस में जो आपके एलडीसी एग्जाम होते हैं, चाहे एससीजीडी का हो या फिर आरओ का हो, रेडियो ऑपरेटर का हो, या आरएफ का हो, रेडियो फिटर का हो, या साइफर का हो, या फिर एसआईजीडी का हो, इसमें जो आपके एग्जाम के लेवल हैं, इसमें जो टोटल टाइप है फाइव नहीं पूछा जाता है, ओनली थ्री पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में इंग्लिश अल्फाबेट जो टेस्ट चैप्टर है, इसमें हम लोग तीन टाइप के प्रश्न को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम फालतू चीज पढ़ाते नहीं है, जो आपके एग्जाम के रेलेवेंट हैं और आपके एक पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करते हैं। हमारी टीम है, ठीक है, हमारी दो टीमें यहां पर है, एक फ्रंट एंड, ठीक है, फ्रंट एंड में हमारे सारे टीचर लोग आ जाते हैं, और एक बैक एंड टीम है, बैक एंड टीम में आपके ऑफिसर्स, जिस भी कोर्सेज के कोर्स लॉन्च किए जाते हैं, उसके पीछे जो कोर्स को हैंडल करते हैं, कोर्स को देखते हैं, वो आपके ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। यानी अगर बीएसएफ की कोर्स कोई हम लोग लॉन्च किए हुए हैं, तो बीएसएफ के ऑफिसर्स उसको हैंडल करेंगे, सीआईएसएफ का है तो सीआईएसएफ का, सीआरपीएफ का है तो सीआरपीएफ, ठीक। उसके साथ ही बैक एंड टीम में आपके टाइपिस्ट हैं, ठीक है, उसके बाद कंटेंट मैनेजर हैं, यानी टोटल जो टोटल एग्जाम की टीमें हैं, टोटल अभी 15 प्लस यानी 20 के आसपास हमारी टीमें हैं, क्लियर है, और रात दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमारी टीमें आपको आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उसी लगन से आप मेहनत कीजिए, और 100% हम गारंटी लेते हैं कि आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर, इंग्लिश अल्फाबेट टाइप वन। आज हम लोग टाइप वन देखेंगे, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सबसे पहले उस चीज को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं, क्लियर। देखिए, जिस ध्वनि संकेतों को हम विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है, जिस ध्वनि संकेतों को हम विभाजित ना कर सकें, उसे हम लोग अक्षर या वर्ण कहते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, ठीक। देखिए, हम लोग ये मान के आपको हम पढ़ा रहे हैं कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल जीरो आपका लेवल, ठीक है, क्योंकि हमें पता है टोटल एग्जाम स्पेशली क्या है, डिफेंस, और डिफेंस में क्या है, CAPF, जितने भी अर्धसैनिक बल है सिर्फ उसी की तैयारी कराती है, यानी 5 अर्धसैनिक बल है, 5 मात्र 5 के ही एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, तो हम लोगों को पता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चंस हम लोग तैयार करते हैं, और उसी लेवल के आपको लेक्चर भी चलता है, ठीक है। और आज हम लोग जीरो लेवल से चलेंगे, कितने लेवल तक, 3 लेवल तक, ठीक है, जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चीज आपने समझ लिया कि अल्फाबेट किसे कहते हैं, तो इंग्लिश में वर्ण कहें या अक्षर कहें कितने होते हैं, टोटल 26, क्लियर है। अब 26 में वोवेल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। तो वोवेल कितने होते हैं, 5, ठीक है, और कॉन्सोनेंट 21, क्लियर है। अब वोवेल में ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके अलावा जितने बच जाते हैं वो हो जाते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो आप लोग 26 इंग्लिश के 26 लेटर अक्षर में, अल्फाबेट में, आप लोग ये समझ गए होंगे कि वोवेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, इंग्लिश अल्फाबेट में तभी आप मास्टर हो सकते हैं,
जब ए से लेकर जेड तक के वैल्यू आपको याद हो, ठीक है, ए से लेकर जेड तक के वैल्यू को याद करने के लिए हर एक बुक में, कोई भी आप बुक रीजनिंग के उठाएंगे, दो फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक। पहला ई जे ओ टी वाई, ई जे टी, ई ई का वैल्यू कितना होता है 5, जे का वैल्यू 10, ओ का वैल्यू 15, टी का 20 और वाई का 25। ये वैल्यू क्या है ये चीज भी समझना जरूरी है। चलिए आगे हम लोग समझेंगे कि वैल्यू क्या है, ठीक। वैल्यू क्या होता है, जैसे यहां पर हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ, तो शुरुआत से जितने नंबर पे वो अल्फाबेट होगा वो उसका वो वैल्यू होगा। जैसे ए एक नंबर पे है, एक वैल्यू हो गया, बी का वैल्यू कितना होगा, बी दूसरे नंबर पे 2, सी तीसरे नंबर पे 3, डी चौथे नंबर पे 4, ई पांचवें नंबर पे है 5, एफ छठे नंबर पे 6, इसी तरह से जेड कितने नंबर पे, जेड नंबर पे 26, ठीक है। तो इसी को वैल्यू बोलते हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको होना मालूम होना चाहिए, आपसे एक भी इस चैप्टर में प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है। आप लोग क्लास के दौरान नोट डाउन भी करते रहिएगा और जहां समझ में नहीं आए उस वीडियो को वहीं पर रोकिए और आराम से समझिए, समझने के बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। 100 to 200% हम गारंटी लेते हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है। इसलिए अब देखिए, एक तो इजोटी करके आप याद कर सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25। एक और फॉर्मूला है सफिलोरक्स, सी एफ आई एल ओ आर यू एक्स। इसमें देखिए 5-5 का डिफरेंस था इजोटी में, इजोटी में 5-5 का डिफरेंस था, ठीक है, 5-5 का डिफरेंस है। अब सफिलोरक्स का क्या होता है वैल्यू, सफिलोरक्स सी का 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, ठीक है, यू ये यू है, यू का 21 और एक्स का 24। इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है 3-3 का, 3-3 का, ठीक है। अगर आपको सी मालूम है सफिलोरक, तो सी एफ, अगर एफ आ गया तो सी एफ के बीच में कितने हैं। तो कहने का मतलब है इजोटी और सफिलोरक्स पढ़ाने का मतलब यही है कि ए से जेड तक के वैल्यू आपको याद होने चाहिए, ठीक है, क्लियर है। एक अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, यानी ए से जेड तक, दूसरा उल्टा जेड से ए तक, ठीक है। देखिए ए से जेड तक आपको वैल्यू याद करना, ए का होता है कितना 1 और जेड का होता है 26। ये तो हो गया अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में, यानी जिस तरह से अंग्रेजी के लेटर होते हैं उस पैटर्न में। बैक से भी आपको याद करना है, पीछे के साइड से, पीछे के साइड से बोले तो जेड हो जाएगा पहले स्थान पे, ठीक है, वाई हो जाएगा दूसरे स्थान पे, इस तरह से जो ए होगा वो 26वें स्थान पे आए, क्लियर है। आगे हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि अक्षर यहां पे आपको बायां दायां भी याद करना है। यहां पे हम लिख लेते हैं आपके लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, यानी ए से लेकर जेड तक हमने पूरे अक्षर को लिख लिया। अब बायां साइड और दायां साइड समझना है, क्लियर है। देखिए अक्षर का यानी इंग्लिश अल्फाबेट का बायां दायां कुछ नहीं होता है, लेटर का कोई लेफ्ट राइट साइड नहीं होता है, वो आपका लेफ्ट और राइट साइड होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अक्षर का अपना बायां या दायां नहीं होता है, बल्कि जिस ओर हमारा बायां होता है, जिस ओर हमारा खुद का बायां होता है उसी ओर अक्षरों का बायां होता है, और जिस ओर हमारा दायां होता है उसी ओर अक्षरों का दायां होता है, क्लियर है। तो देखिए हमारे अभी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो जो आपके बाएं हाथ है वो किस तरफ है, इस तरफ होगा ए के साइड में, ठीक है, इस तरफ होगा आपका बायां हाथ, और दायां हाथ आपका इस तरफ होगा,
क्लियर है। तो बायां साइड कौन सा हो गया, बाईं ओर, ये बायां हो गया, ये बायां साइड हो गया और ये दायां साइड हो गया। देखिए बायां साइड तो ये हुआ ठीक है, लेकिन बायां साइड तो है, बायां साइड है मतलब ये दाईं ओर जाएगी, बायां साइड को हम दाईं ओर कह सकते हैं, इस तरफ दाईं ओर, और दायां साइड है यानी दायां साइड है, अगर हमारा क्रम बढ़ेगा तो किस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ेगा यानी बाईं ओर उल्टा ठीक है, यानी ए जो है वो हमारे बाईं साइड में है, जेड जो है हमारे दाएं साइड में ठीक है। अब अगर हम आपको बोले, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं ठीक है, अगर हम आपको पूछें कि बाएं से का मतलब हो गया इस ओर से इस ओर, क्लियर है, बाएं से इस ओर ठीक है, और दाया यहां पे दाया तो साइड ये है, लेकिन दाएं से अगर हमने बोल दिया, दाएं से अगर हमने बोल दिया तो इस ओर से जाएगा बाईं ओर, दाया से अगर दाया से बोला तो बाईं ओर जाएगा, ये बाईं ओर बढ़ रहा है, और अगर हम बायां से बोले तो बायां यानी ए से तो स्टार्ट होगा, किस तरफ, इस तरफ स्टार्ट होगा यानी किस ओर, दाईं ओर, यही चीज हमने समझाया। अगर आपको बोले बाएं से तो जाहिर सी बात है कि बाएं से हम चलना शुरू करेंगे, दो ही साइड हमारा है, एक बायां साइड है एक दायां साइड है, अगर बाएं से हम चलना शुरू करेंगे तो दाएं तरफ जाएंगे, और जो दाएं से चलना शुरू करेंगे वो अगर इस ओर से यानी जेड की तरफ से चलना शुरू करेंगे, दाईं ओर से ही हमारा दाईं ओर है, और दाईं ओर यानी जेड की तरफ से हम चलना शुरू करेंगे किस तरफ जाएंगे, तो ए की तरफ, ए किस तरफ है, बाईं ओर है, तो कहने का मतलब दायां से बोले जो जेड की तरफ से और बाईं ओर जाएगा, और बायां से बोले तो ए की तरफ से, बायां से बोले तो ए की तरफ से, दायां से बोले तो जेड की तरफ से ठीक है। अब एक प्रश्न आपको हम पूछते हैं कि बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा, तो बाएं से यानी ए की तरफ से आप काउंट करेंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चौथा अक्षर क्या होगा, डी। और अगर हम कहें कि दाएं से सातवां अक्षर क्या होगा, तो दाएं से कहने का मतलब है अंग्रेजी के वर्ण वर्ण अनुसार, वह जो अंग्रेजी का वर्णमाला क्रम है उसके अनुसार ठीक है, दाएं से अगर हम बोले तो यानी जेड, दाएं से यानी जेड की तरफ से, तो जेड की तरफ से सातवां अक्षर क्या होगा, तो इस तरफ से काउंट कर लीजिए, एक दो तीन चार पांच छ सात, यानी कौन सा अक्षर आ रहा है, टी। अब हम उम्मीद करते हैं कि बायां दायां क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, यानी ए से लेकर जेड तक जब हम लिखते हैं तो ए साइड क्या हो गया, बाएं से यानी बाईं ओर है, और जेड क्या है, दाईं ओर बैठा हुआ है, तो दाएं से, क्लियर हो गया। अब एक चीज और हम बोले कि कोई लेटर ले लेते हैं, जैसे ये पी ले लेते हैं, ये हमने यहां पे पी है ठीक है, अब पी का बायां दायां क्या हो गया, तो पी अगर हम पूछें आपसे एक और प्रश्न पूछ लेते हैं, पी के बाईं ओर, पी के बाईं ओर पांचवां अक्षर क्या होगा, और पी के दाईं ओर पांचवां अक्षर क्या होगा। अब देखिए यहां पे पी है ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप बेहतरीन तरीके से समझ सके ठीक है, आराम आराम से समझना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत टाइम है आप लोगों के एग्जाम में, और तब तक आप लोग मास्टर हो जाएंगे क्लियर है। अब देखिए पी यहां पर है, ये पी है, अब पी के राइट साइड, पी के जो राइट साइड है दाएं तरफ कहलाएंगे, और पी के लेफ्ट साइड जितने लेटर हैं वो बायां साइड कहलाएगा। अब देखिए यहां पे प्रश्न है कि पी के बाईं ओर पांचवा अक्षर, पी के बाईं ओर,
तो पी के बाई ओर कौन से लेटर हैं? पी के बाएं हैं ओ है, एन है, एम है, एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी ई, ये सारे क्या है? ये बाई ओर है। तो यहां से हम काउंट करेंगे पी के बाई ओर पांचवा अक्षर क्या होगा, तो शुरू करते हैं। ओ पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, एम तीसरा हो गया, एल चौथा हो गया और के पांचवा हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? के, पी के बाई ओर के। और यहां पे कह रहा है कि पी के दाई ओर पांचवा अक्षर, तो हम दाएं तरफ चलेंगे, यानी पी के दाई ओर, यानी खुद के, यानी यहां पर लेटर का हम बात कर रहे हैं, तो खुद के यानी आपके राइट हैंड साइड यानी पी बैठा है, पी के राइट साइड यानी आपके राइट साइड क्या है? पी के बाद है क्यू पहले स्थान पे, फिर आर दूसरे स्थान पे, एस तीसरे स्थान पे, टी चौथे स्थान पे, यू पांचवें स्थान पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यू। तो यहां तक आपने ये समझा कि इंग्लिश अल्फाबेट का बायां साइड क्या होता है, दायां साइड क्या होता है, दाएं से का मतलब क्या हो गया, बाएं से का मतलब क्या हो गया। दाएं से कह रहा है तो गिनती दाएं से शुरू होगी लेकिन किस ओर जाएगा? बाएं ओर। और बायां से कह रहा है तो बाएं से काउंट शुरू हो रहा है, किस ओर जाएगा? दाएं ओर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ और चीजें समझते हैं। क्लियर है? अगर किसी को इस तरह का प्रश्न आपसे पूछे, ठीक है, कोई ले लेते हैं, मान लिया जाए एच लेते हैं, एच के ठीक दाएं, एच के ठीक दाएं कौन सा अक्षर आएगा? तो एच के ठीक दाएं, एच कहां पे है? यहां पे। इसका दायां यानी एच के दाएं साइड जितने भी लेटर हैं, दायां साइड वाले लेटर हो गए इस तरफ वाले, तो एच के ठीक दाएं मतलब तुरंत, एच के तुरंत बाद क्या है? आई है। तो आंसर आपका हो जाएगा आई। ठीक है, अगर यहीं पे कहता है कि एच के ठीक बाएं तरफ, तो एच के ठीक बाएं तरफ क्या है? जी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाता? जी। ठीक, दूसरी चीजें, अगर प्रश्न में पूछे, कि आपके बाएं से, देखिए ये चीज हमने समझा दिया आपको, ठीक ठीक बाएं, ठीक दाएं, ठीक है, यानी एच एच के ठीक बाएं क्या आएगा? जी। और एच के ठीक दाएं यानी जस्ट एच के बाद जस्ट आई। ये दो चीजें समझ गए। ठीक का मतलब हो गया कि जिस लेटर के बारे में कह रहा है उसके जस्ट साथ में, उसके साथ कौन से लेटर है। अगर बाएं तरफ कह रहे हैं तो बाएं वाले लेटर को देखेंगे, और दाएं तरफ कह रहे हैं तो दाएं वाले लेटर को हम देखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरे कंडीशन में कहेंगे कि आपके बाएं से, ठीक है, आपके बाएं से कहने का मतलब क्या? यहां ए से जेड तक लिखा हुआ, आपके बाएं से कहने का मतलब है बाएं तरफ ये है, आपके बाएं से मतलब ए से जेड की तरफ। क्लियर है? और कहे आपके दाएं से, आपके दाएं से यानी जेड की तरफ से बोल रहा है, और जेड की तरफ से अगर बोल रहा है तो किस तरफ हम जाएंगे? ए की तरफ। क्लियर है? और आपसे एक कंडीशन आएगा, ये सारी चीजें बिल्कुल आपको समझना है। ठीक है, अभी मैं इंक चेंज कर लेता हूं। ठीक बाएं आपने समझ लिया, आपके बाएं से मतलब ए के तरफ से जेड की तरफ जाएगा, ए से जेड के बारे में पूछा जा रहा है, और आपके दाएं से, का मतलब क्या हो गया कि जेड के तरफ से ए के तरफ बढ़ना है। ठीक है, अब एक कंडीशन और आएगा, बाई ओर। क्या? बाई ओर, ठीक है, और दाई ओर, इसका मतलब क्या हो गया? बाई ओर का मतलब जाहिर सीधी सी बात है कि जब हम दाएं से काउंट करेंगे तभी तो हम बाएं ओर बढ़ेंगे, अर्थात दाएं से बाई तरफ,
इसी को कहते हैं बायां ओर। और दाई ओर का मतलब हो गया क्या, दाई ओर का मतलब हो गया बाएं से दाई ओर, ये चीज हमने आपको बता दिया पिछली स्लाइड में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है बाई ओर, कहने का मतलब है दाएं से यानी जेड से ए की तरफ, और बाएं से कहने का मतलब है ये दाएं से दाई ओर, दाई ओर कहने का मतलब है कि दाई ओर हमें जाना है, तो बाएं से बाएं में क्या है ए, ए से जेड की तरफ, ठीक है। एक टर्म और आता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारी चीजें आपको टर्मिनोलॉजी को याद रखना, इसको समझना है, और अपने फेयर को भी मैं भी नोट डाउन करके रखना। प्रश्न में के बाएं या दाएं पूछेंगे किसी भी प्रश्न में, ठीक है। के, जहां के आ गया इसका मतलब क्या है, अर्थात मूल अक्षर को छोड़कर, क्लियर है। अगर हम पूछें ई के बाएं, ई के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा, ई के बाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए यहां पे ई है, क्लियर है। अब ई का ये साइड, ई के इस तरफ क्या हो गया राइट साइड ई का, और इस तरफ क्या हो गया लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ई के बाईं ओर के का मतलब क्या हुआ, अर्थात मूल अक्षर को छोड़कर, ई को काउंट नहीं करना है यहां पे। देखिए हम क्या बताया हुआ है, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए इस प्रश्न में क्या है, ई के बाएं ओर तीसरा अक्षर। अब देखिए के का मतलब क्या हो गया कि इस ई को छोड़कर काउंट करना तीसरा अक्षर, यानी यहां ई है तो इसको छोड़कर तीसरा अक्षर काउंट करना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया बाईं ओर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि कौन सा अक्षर तीसरे नंबर पे आ गया, इस पर जो मैंने ये प्रश्न लिखा था, तो तीसरे नंबर पे जो आ गया अक्षर वो है बी, ठीक है, ई के बाईं ओर, क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अब एक चीज और बता देते हैं, जो चीज हमने आपको दो तीन चार कंडीशन बताया उसको याद करने का एक तरीका हम बता देते हैं। आपके बाएं से ठीक है एंड दाईं ओर दोनों एक ही बात कह रहा है, दोनों क्या कह रहा है एक ही बात, आपके बाएं से यानी ए की तरफ से जेड की तरफ, ठीक है। आपके दाएं से कहने का मतलब आपके दाएं से और बाईं ओर, इसका कहने का मतलब है आपके दाएं से यानी जेड की तरफ से किस तरफ, जेड की तरफ से ए की तरफ जाना, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशंस आप इस तरह से पर्ची बना के आप, ठीक है, ड्यूटी में कहीं जा रहे हैं तो जाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसमें हम ये छोटी छोटी चीजें, बस में जैसे बैठे हुए हैं तो ड्यूटी जाना बस से हमें जाना पड़ रहा है, ठीक है, पीस एरिया है, डिस्टर्ब इलाका नहीं है, तो वहां पे आप बस में बैठे बैठे इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जहां डिस्टर्ब इलाका है, LW इलाके हैं या बॉर्डर एरिया है, ठीक है, तो वहां पे तो आपको बस में भी अलर्ट रहना पड़ता है। लेकिन जो पीस एरिया है, जो सिटी है, कहीं सिटी में आप ड्यूटी कर रहे हैं और सिटी में आपको अपने जो आपका लोकेशन है वहां से ड्यूटी वाली लोकेशन पे जाना है बस से, तो उस दौरान आप इस सारे चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब मौका हालात और सिचुएशन को देखते हुए आप फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे, पढ़ते रहेंगे, और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर चीज जो हम समझाएं वो चीज आपको समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बाएं और दाएं और बाएं से दाएं से ये सारे चीजें आपने क्या किया, आपने ये सारी चीजें सीख ली। अब एक चीज और सीखते हैं, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार था। अब देखिए एक चीज और हम आपको बताते हैं, यहां पे
अब हम लोग सीखेंगे विपरीत अक्षर मालूम करना, ठीक है, क्लियर है। विपरीत अक्षर आपको हम एक तरीके से नहीं, दो तरीके से नहीं, बल्कि तीन तरीके से मालूम करने के लिए बताते हैं। जैसे आप लोग ऑपरेशंस करते हैं, चाहे बॉर्डर एरिया में हो या फिर छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में हो या फिर श्रीनगर जैसे इलाके में है या फिर नॉर्थ ईस्ट में है, तो आप लोग जब ऑपरेशन के लिए निकलते हैं तो आपके पास एक प्लान नहीं होता है, आपके पास दो प्लान तीन प्लान होता है कि एक प्लान हमने इस तरह से किया है, अगर वो प्लान फेल होता है तो प्लान बी पर आएंगे, प्लान बी फेल होता है तो प्लान सी पर आएंगे, ठीक है। यानी आपके पास तीनों रहता है, जिस तरह से सीआरपीएफ वाले छत्तीसगढ़ में चलते हैं तो वो एकेएम के साथ साथ यूबीजीएल भी लेके चलता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है अगर कहीं एम्बुश हुआ, ठीक है, अटैक हुआ, तो दुश्मन को अगर हम एकेएम से मार नहीं सकते, एकेएम के बुलेट्स वहां तक नहीं पहुंच सकता है, तो वहां पे वो यूबीजीएल इस्तेमाल कर लेते हैं एकेएम पर लगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है आपके पास तोड़ होना चाहिए, ठीक। क्या पता एक मेथड हमने बता दिया और वहां पे जाकर आप एग्जाम सेंटर में भूल गए, फिर क्या होगा, फिर एग्जाम ही छूट जाएगा। तो इसलिए दो तीन मेथड जब आपके पास रहेगा तो आप बेहतरीन तरीके से, चलो एक हम भूल गए, दूसरे मेथड हमें याद है, तो बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए विपरीत अक्षरों की जो संगत संख्याओं का योगफल होता है वो हमेशा 27 होता है, ठीक। यहां पर लिखता हूं मैं, जो विपरीत संख्या होता है उसका संगत योगफल कितना होता है 27, ये हमेशा याद रखिए 27। यानी कहने का मतलब क्या, आगे हम बता देते हैं कि जिस अक्षर का विपरीत अक्षर मालूम करना हो तो उस अक्षर के वैल्यू को 27 में घटा देते हैं। दूसरा कहने का मतलब है अगर हम आपको कहें कि ए का विपरीत, ए का विपरीत क्या होगा, तो हमने क्या बताया, दोनों का दो, मतलब दो लेटर होते हैं। अभी हम क्या करेंगे, देखिए किसी भी लेटर का आपको विपरीत मालूम करना ना, तो 27 में उस लेटर को माइनस कर देंगे, उस लेटर के वैल्यू को। जैसे ए का विपरीत पूछ रहा है तो ए का विपरीत यानी 27 में ए का वैल्यू क्या होता है, 1 पहले स्थान पे, तो 1 हम यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना आ गया 26। अब 26 जो वैल्यू है वो किस लेटर का है, जेड लेटर का। यानी ए का उल्टा क्या हो गया, ए का अपोजिट हो गया जेड, जेड का अपोजिट हो गया ए, ठीक है। कहने का मतलब है कि 1 ए का उल्टा क्या हो गया जेड और जेड का उल्टा क्या हो गया ए। यहां पे मैंने क्या लिखा था, संगत जो दोनों लेटर होते हैं विपरीत लेटर, दोनों लेटरों का जो संगत योगफल होता है यानी कुल जो योगफल होता है 27 होता है। अब देखिए ए का होता है 1 और जेड का होता है 26, कितना हो गया 27। उस तरह से जेड का कितना होता है 26 प्लस ए का कितना होता है 127। यानी ए का उल्टा जेड, यानी ए का विपरीत लेटर जेड और जेड का विपरीत लेटर ए, ठीक है। ए जेड कहें या जेड ए कहें, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब हम आपको कहते हैं कि सी का विपरीत बताइए, ठीक है। तो सी का वैल्यू आपको मालूम है 3 होता है, ठीक है। और किसी भी लेटर का विपरीत निकालना है तो 27 में उसके वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी सी के वैल्यू को माइनस कर देंगे, क्लियर। अब 27 में 3 आप माइनस करेंगे तो 24 होगा, और 24 किस लेटर का वैल्यू होता है बताइए, एक्स। तो सी का विपरीत क्या हो गया एक्स, और अगर हम कहें यहीं पे एक्स का विपरीत बताइए तो 27 और एक्स का वैल्यू कितना होता है 24, निकल के कितना आ गया 3 किसका होता है सी का वैल्यू होता है, यानी एक्स का विपरीत क्या हो गया सी, और सी का विपरीत कितना हो गया, क्या हो गया एक्स। तो ये विपरीत शब्द आपने सीख लिया। अभी देखिए दूसरा मेथड, एक तो ये दोनों के योगफल होते हैं, एक 27 में, आपको याद रखना है कि हमको सिर्फ 27 में माइनस करना है जिसका भी हमको विपरीत पूछ ले, क्लियर है। अब दूसरी चीजें एक कहानी के माध्यम से हम पूरे आपको याद करा देते हैं, एक लव स्टोरी के
माध्यम से हम पूरे आपको याद कर सकते हैं। ठीक, देखिए कहानी सुनिएगा और मजा भी आएगा। और ए से लेकर यानी कि ए का उल्टा बी, ए का विपरीत शब्द बी का विपरीत, सी का विपरीत, जेड तक हम लोग चलेंगे। क्लियर है? किसी गांव में एक ग्रामीण गांव था। क्लियर? वहां पे एक, हर गांव में एक प्लेग्राउंड होता है यानी खेलने का होता है। ठीक है, ये एक क्रिकेट ग्राउंड था किसी गांव में, जहां उस गांव के सारे लड़के क्रिकेट खेला करते थे। ठीक है, इसी ग्राउंड के पास एक मकान था। इसी ग्राउंड के सामने एक मकान था। ठीक है, और उस मकान का जो फ्रंट गेट था ग्राउंड के सामने था। ठीक है, और उसमें एक विंडोज भी थी और उसमें एक बहुत ही खूबसूरत, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल रहा करती थी। अब यहां पे इस ग्राउंड में जो लड़के खेलने के लिए आते थे, उनको, उन लड़कों में से एक लड़के को इस ब्यूटीफुल गर्ल से क्या हो जाता है? लव हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब जब ये लड़का इस ग्राउंड में आए क्रिकेट खेलने के लिए, ये लड़की अपने घर के विंडोज खिड़की से कभी मैच देखे, कभी ग्राउंड में आके मैच देखे, मैक्सिमम टाइम ये ग्राउंड में आके अपने आपका, इनका जो प्यार था यानी इनका जो बॉयफ्रेंड था, इनके क्रिकेट मैच का आनंद लेती थी। कहाँ? ग्राउंड में आके। ठीक है, ये क्रिकेट ग्राउंड में आके आनंद लेती थी, अपने बॉयफ्रेंड का मैच देखती थी डेली। एक दिन की बात है, लड़का आ गया क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में। ठीक है, ये ग्राउंड में लड़का क्रिकेट खेलने के लिए आ गया। अब जब लड़का क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में आए, उसका ध्यान इस लड़की की तरफ रहे। ठीक है, कब आएगा मेरा क्रिकेट देखने के लिए, कब आएगी मेरी क्रिकेट देखने के लिए, बड़ा बेचैन रहता था लड़का। एक दिन की बात है, वो आए ही नहीं, लड़का बहुत परेशान हो गया। बार बार उनके घर के दरवाजे की तरफ, विंडोज की तरफ देखे, अचानक उसे उस घर के खिड़की में बैठी वो लड़की नजर आई। ठीक, तो लड़का बोलता है कि हर दिन तुम आती थी क्रिकेट देखने के लिए, हर दिन तुम आती थी क्रिकेट देखने के लिए, आज क्यों नहीं आ रही है, आ जाओ। लड़की मना कर रही है। बोला, अरे आ जा ना यार, तुम्हें देखता हूं जब तुम मेरी क्रिकेट आकर देखती हो पास से, तो बहुत मैं छक्का चौका मारता हूं, आ जाओ। वो आ जा चिल्ला रहा है, यानी ए और जेड, यानी ए का उल्टा क्या हो गया? जेड, और जेड का उल्टा क्या हो गया? ए। ठीक है, अब लड़की, क्या पता घर वालों ने उसकी पिटाई की हो या कुछ भी रीजन रहा हो, वो आ नहीं रही है। लड़की उसी खिड़की से बाय बाय कर रही है, बाय बाय, बी वाई बाय बाय कर रही है, यानी बी का उल्टा वाई, वाई का उल्टा बी। ठीक है, फिर लड़का बोलता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है, आ जा यार, आज तुम आएगा तो एक रन नहीं, दो रन नहीं, चौका भी नहीं, खूब सिक्स मारूंगा, सी एक्स, खूब सिक्स मारो, यानी सी का उल्टा एक्स और एक्स का उल्टा सी। ठीक है, लड़की बोलती है, नहीं मैं मजबूर हूं, आज मैं आपके पास क्रिकेट देखने नहीं जा सकती हूं, चलो इतना मैं करती हूं, आप क्रिकेट खेलो, मैं विंडोज से देख लूंगी, डब्ल्यू डी, विंडोज से देख लूंगी, डब्ल्यू का उल्टा डी और डी का उल्टा डब्ल्यू। ठीक है, फिर लड़की पूछती है कि मैच कब है, लड़का को पूछता है, खेलोगे कब तुम, मैच कब है?
तो वो लड़का बोलता है कि इवनिंग में, ई भी, मैच कब है, इवनिंग में, यानी ई का उल्टा भी और भी का उल्टा ई, इवनिंग में, ठीक है। यह सुनकर लड़की बोलती है उफ उफ। लड़का बोला क्या हुआ, उफ यानी यू एफ, यू का उल्टा एफ, एफ का उल्टा यू। लड़का बोलता है क्या हुआ, उफ कर रही हो। तो लड़की बोली कि मुझे जीटी रोड जाना था, जीटी रोड जाना था, जी का उल्टा टी और टी का उल्टा जी, मुझे जीटी रोड जाना था। लड़का कहता है क्यों। लड़की बोलती है मेरी हाई स्कूल की, हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड आ रही है, उनसे मिलना था, एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच। इन दोनों लेटर को जब जोड़ेंगे ना आपस में, इसका वैल्यू है 27 ही होगा, ठीक है। देखिए एच का कितना होता है 8, और इसका एस का कितना होता है 19, दोनों को जोड़िएगा तो सबका वही है 27 ही होगा, क्योंकि दो जो दो लेटर होंगे ना अल्फाबेट, दोनों जो अपोजिट विपरीत लेटर होंगे उसके दोनों का जो योग होगा ना 27 ही होगा, ठीक है। अब बोली हाई स्कूल की जो हमारे बेस्ट फ्रेंड है वो आ रही है। लड़का बोलता है यार आ जाओ देखने के लिए, आज देख लो इंडियन रेलवे क्या क्यों है, उससे चले जाना, इंडियन रेलवे से चले जाना, आई से इंडियन, आर से रेलवे, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, इंडियन रेलवे से चले जाना। बोली नहीं बाबा नहीं, हम लोगों के साथ हाई स्कूल में जो जैकी पढ़ा करता था उसे किसी क्यून से प्यार हो गया और दोनों शादी करने वाले हैं और दोनों आ रहा है, उनसे मिलना है हमको, ठीक है। जे का उल्टा क्यू और क्यू का उल्टा जे, ठीक है। फिर वो लड़की बोली कि मैं जेकी से मिलूंगी, जेक्यू के क्यून से मिलूंगी और वहां पे हम लोग पीके मूवी देखेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, पीके मूवी देखेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, यानी पी का उल्टा के और के का उल्टा पी, ठीक। लड़का बोला लो जेकी आ रहा, अरे पहले क्यों नहीं बताया कि जेकी आ रहा। अब जेकी इतना प्यारा दोस्त, तुम चली जाओगी, जेकी भी आ रहा है, क्या हमको मन लगेगा, हमको बिल्कुल मन नहीं लगेगा क्रिकेट खेलने, ठीक है। इसलिए चलो दोनों मिलकर चलते हैं, यानी एल का उल्टा ओ लो और ओ का उल्टा एल, एम एन यानी मन, एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम। यहां तक हमने टोटल आपको एक लव स्टोरी के माध्यम से ए से लेकर जेड तक के विपरीत शब्द को याद करा दिया, और सारे लेटर का आप देखिएगा वैल्यू जोड़ के 27 ही होता है, कितना होता है 27 ही वैल्यू होगा। इसलिए जिस भी लेटर का आपको ना अपोजिट निकालना हो, एक तो फॉर्मूला है 27 माइनस उस लेटर का वैल्यू कर दीजिए, ठीक है। दूसरा ये लव स्टोरी भी याद रहेगा, दो चार बार आप लव स्टोरी दूसरे को सुनाइए, वो तो याद हो जाएगा, ये स्टोरी को सुनाइए अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को देखिए फट से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताता हूं। आपके बाएं, आपके बाएं से कहे या आपके दाएं से कहे, दो ही कंडीशन आएगा, ठीक है। ये बायां शब्द आएगा या दायां शब्द आएगा, अब बायां बायां आ जाए, दायां दायां आ जाए, बायां दायां आ जाए, या दायां 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 बायां आ जाए, ये चार तरह से ही, चार तरह से ही पूछा जा सकता है, या क्या कह सकते हैं लेफ्ट राइट आ जाए, या राइट लेफ्ट आ जाए, या लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, या फिर राइट राइट आ जाए, यही चीजें तो आएंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज हम फॉर्मूला आपको बताते हैं, धांसू फॉर्मूला, जो
जो लेफ्ट होगा ना, इसे हम लोग समझते हैं गर्ल, ठीक है, और राइट को हम लोग समझते हैं बॉय, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे आए एल ई एफ टी लेफ्ट, आर आई जी एच टी राइट, ठीक है, फिर आर आई जी एच टी राइट या राइट लेफ्ट आए, ठीक है, या लेफ्ट लेफ्ट आए या राइट राइट आए, यही कंडीशन आएंगे। अब देखिए, लेफ्ट यानी लड़की, राइट यानी लड़का। अब देखिए, जो शादी विवाह होता है, तो शादी जो होता है बॉय और गर्ल का होता है आपस में, ठीक है, अमूमन नॉर्मली, ठीक है। क्या आपने कभी सुना है बॉय का बॉय से शादी हो गया या गर्ल से शादी हो गई? नहीं होता, ठीक है। यानी एक भारतीय परंपरा के अनुसार बॉय यानी लड़की और लड़का का शादी होता है, ठीक। तो देखिए, जब लड़की लड़का आए ना, तो हम प्लस कर देंगे, यानी लेफ्ट और राइट आए, यानी दोनों, एक लेफ्ट यानी लड़की, राइट यानी लड़का, दोनों का शादी होगा प्लस। राइट यानी लड़का, ठीक है, कलर चेंज करता हूं, राइट यानी लड़का, लेफ्ट यानी लड़की, तो क्या हो जाएगा, दोनों की शादी हो जाएगी। लेफ्ट यानी लड़की, लेफ्ट यानी लड़की, तो शादी होगा नहीं, यानी माइनस, ठीक है। राइट यानी लड़का, राइट यानी लड़का, शादी होगा नहीं, इसलिए माइनस। कहने का मतलब है कि जहां बायां और दायां आए वहां प्लस करेंगे, जहां दायां और बायां आए प्लस करेंगे, जहां एक जाति आ जाए, लड़की लड़की या लड़का लड़का, वहां माइनस करेंगे। समझाने का मतलब ये था, ठीक है। ये टर्म्स, ये कंडीशन जो है, ये चीजें आपको याद रखना है बिल्कुल। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, अपने फेयर कॉपी में टेबल बना के ना रख सकते हैं, ठीक है, और इस चीज को भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट मीन्स क्या हो गया, राइट मीन्स क्या हो गया, क्लियर है। अब कुछ सवाल ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे एक दो सवाल के बाद, क्लियर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। अगले वीडियो में हमारा इसका जो है प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलेगा, टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री, ये बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, और अगर इस चीज को आप नहीं सीख पाए तो आपसे कोई भी सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम आराम से सीखिए जिस तरह से हम सिखा रहे हैं, ठीक है। आप फेयर कीजिए, रफ कीजिए, फिर फेयर कीजिए, फिर उसका रिविजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब हम सवाल लेते हैं, ठीक है, एक सवाल यहां से लेते हैं। बाएं से दसवें अक्षर, बाएं से दसवें अक्षर के दाईं ओर छवां अक्षर क्या होगा, ठीक है। दूसरा सवाल और ले लेते हैं, यहां पे दाएं से दसवें अक्षर के बाईं ओर छवां अक्षर क्या होगा, ठीक है। एक और ले लेते हैं, चार ले लेते हैं। बाएं से पंद्रहवें अक्षर, बाएं से पंद्रहवें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा, ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं, दाएं से पंद्रहवें अक्षर के
दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा? चार सवाल हमने लिए। ये चारों टर्म्स कब यूज होगा? जब अल्फाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होगा, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। चलिए, अभी हमने जो आपको सिखाया शादी वाले सिस्टम, उससे हम इन सारे को चुटकियों में हल करेंगे। एक तो हमने बेसिक मेथड भी आपको बता रखा, ठीक है, लेकिन ट्रिकी कैसे हम लोग हल करेंगे वो चीज देख लेते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, एक नंबर पे। पहले में है बाएं से बाया, दसवें अक्षर के दाई ओर दाया, छावा अक्षर क्या होगा? अब देखिए, बाया ये क्या है लड़की, दाया ये क्या है लड़का, दोनों का क्या होगा? प्लस होगा, यानी 10 प्लस ये 10 और प्लस ये 6 क्या हो गया 16, और 16 किस लेटर का वैल्यू है? पी का। तो आंसर आपका हो गया पी, ठीक है। वैसे आप एबीसीडी लिख के भी आप देखेंगे, ठीक है, एबीसीडी अगर आप लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए, अब इसके हिसाब से चलते हैं बेसिक, ये तो हमने ट्रिक बता दिया। बाएं से यानी ए की तरफ से आप चलेंगे, दसवें अक्षर, तो ए की तरफ से दसवां अक्षर काउंट कीजिए, ए की तरफ से दसवां अक्षर आप काउंट कीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, जे हो गया, ठीक है। अब कह रहा है बाएं से दसवें अक्षर, दसवां अक्षर जो भी आ रहा है जे आ रहा है यहाँ पे, दाई ओर, अब जे के दाई ओर, दाई ओर छठा अक्षर काउंट कीजिए, तो जे के छठा अक्षर काउंट कीजिए, तो के क्या हो गया 11, ये पहला अक्षर, एल दूसरा, एम तीसरा, एन चौथा, ओ पांचवा और पी छठा। तो आंसर क्या हो गया आपका पी, ये बेसिक मेथड था और ट्रिक से भी क्या आया पी। अब देखिए अगला प्रश्न, दाएं से दसवें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा? दाया यानी प्लस लड़का, बाया यानी लड़की, दोनों का शादी होगा यानी दोनों शादी के बंधन में जुड़ेंगे यानी प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे? 10 को और 6 को, 10 प्लस 6 इक्वल टू 16, और 16 वैल्यू किसका होता है? पी का। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? पी, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, बाएं से 15वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या? अब यहां लड़की बाएं से और यहां भी बाएं, लड़की बाएं बाएं दो बार यूज हुआ है, यहां भी लड़की, अब शादी तो होगा नहीं यानी माइनस होगा, केस में माइनस होगा, 15 में 4 माइनस कीजिए, 15 माइनस 4 बचा 11, और 11 अंग्रेजी में 11वें स्थान पे कौन सा लेटर आता है? के। तो आपका आंसर क्या हो गया? के। अब अगला सवाल देखिए, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं ओर चौथा अक्षर, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं ओर चौथा अक्षर, अब यहां भी दाया यानी प्लस लड़का, यहां भी दाया यानी लड़का, ये भी प्लस, अब प्लस प्लस है यानी लड़का लड़का है, तो शादी होगा नहीं, क्या होगा? माइनस होगा। अब किस में माइनस होगा? 15 में, 15 में माइनस क्या होगा? 4, 15 में माइनस करेंगे 4, तो बचेगा 11, और 11 किस लेटर का वैल्यू है? के। तो इसका भी आंसर हो गया के, ठीक है। ये चीजें आप समझ गए होंगे बेहतरीन तरीके से। अब देखिए, ये तो था अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। अब क्वेश्चन में, इन सारे क्वेश्चन में एक चीज देखे होंगे कि कहीं भी विपरीत शब्द नहीं आया, कहीं भी विपरीत शब्द नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर यही सवाल हो सेम और सवाल में एक जगह आपको दिखे विपरीत, फिर कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इजी है, ठीक। सवाल सेम, जैसे ये चार सवाल हमने दिया है,
चार सवाल सेम और आ जाए विपरीत, ठीक है। अगर इसी सवाल में कहे, एक सवाल हम इसी को बना लेते हैं पहले, जैसे इसको हम मान लेते हैं, या आगे चलिए मैं एक सवाल लेता हूं। जब सवाल में आपको एक शब्द दिखे, क्या इंक चेंज करता हूं, सवाल में एक चीज दिखे आपको विपरीत, ये शब्द जब आपको दिख जाए, ठीक है, क्या कार्रवाई करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में आपके बाएं से, विपरीत क्रम में आपके बाएं से 13वें अक्षर, 13वें अक्षर के दाई ओर से 5वां अक्षर क्या होगा, प्रश्न ये, ठीक है। अब देखिए विपरीत क्रम में आपके बाएं से 13वें अक्षर के दाई ओर 5वां अक्षर क्या होगा। बिल्कुल उसी की तरह इजी है जिस तरह से वो सीधा वाला था। अब इसमें एक ही चीज जुड़ा है, विपरीत क्रम, ठीक है, क्या जुड़ा है, विपरीत क्रम। बाकी ये विपरीत क्रम आ गया, बाकी आपके बाएं से 13वें अक्षर के दाई ओर से 5वां अक्षर उसी तरह का है, उसी तरह बनेगा, लेकिन विपरीत क्रम आया तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए पढ़िए प्रश्न को, विपरीत क्रम में आपके बाएं से 13वें अक्षर के दाएं ओर से 5वां अक्षर, ठीक है, 13वें अक्षर के दाएं ओर से 5वां अक्षर क्या होगा। अभी आप भूल जाइए विपरीत क्रम को, आप सीधा सीधा बनाइए, ठीक है। तो बायां यानी लड़की, दायां यानी लड़का, दोनों की शादी होगा, दोनों बंधन में जुड़ेंगे, यानी प्लस होगा, यानी प्लस कीजिए 13 प्लस 5, ठीक है, कितना हो गया 18, ठीक है। और 18 का वैल्यू, 18 किस लेटर का वैल्यू होता है, आर का। तो अगर विपरीत क्रम में दिया नहीं रहता तो आंसर हमारा होता आर, लेकिन विपरीत क्रम में है। अब यहां तक सही बनाएंगे हम, एक्चुअल में क्या है 18 का आर आ गया, अब विपरीत क्रम में बोले तो आर का अपोजिट लिख देंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। आर का अपोजिट क्या होगा, आई, क्योंकि वो लड़का क्या बोल रहा था, अरे शाम को चले जाना इंडियन रेलवे से, आई आर, इंडियन रेलवे से चले जाना, यानी आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई, इसलिए विपरीत क्रम में बोल रहा है, तो लास्ट में जो आपका आंसर आएगा उसका उल्टा आपको लिख देना है, यानी आर का उल्टा आई, ये आपका आंसर है, क्लियर है। कुछ प्रश्न और देख लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं, यहीं पे हम लिखता हूं, ठीक है। विपरीत क्रम में बाएं से, विपरीत क्रम में बाएं से, विपरीत क्रम में बाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर से 6वां अक्षर क्या होगा, सवाल दो नंबर सवाल ये आपका, ठीक है। अब देखिए इसको जैसे हमने बेसिक मेथड बताया वैसे पहले बनाइए इनको। विपरीत क्रम में बाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर से 6वां अक्षर क्या होगा, देखिए यहां भी बाईं यानी लड़की, यहां भी लड़की, तो शादी होगा नहीं, क्या होगा, माइनस होगा, यानी 13 में क्या माइनस होगा, 6, 13 में 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7, ठीक है, 7, और 7 किस अक्षर का वैल्यू है बताइए, जी, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है विपरीत शब्द आ गया, तो अब क्या करेंगे, जी का उल्टा क्या होता है, जी का विपरीत अपोजिट लेटर क्या होता है, तो जी का अपोजिट लेटर हमने बताया था टी, ठीक है, क्योंकि वो लड़की जिद कर रही थी कि हमें जीटी रोड जाना है,
जी का उल्टा टी और टी का उल्टा जी, ठीक है। या फिर जब आपका ये एक्चुअल वैल्यू आ जाए, जैसे सेवन का क्या आ गया, जी जी आ गया, अब विपरीत कह रहा है तो 27 में क्या करेंगे, जी के वैल्यू को घटाएंगे। 27 में जी का वैल्यू कितना है, सेवन। अब 27 में सेवन आप माइनस करेंगे तो कितना बचा, 20, और 20 किसका वैल्यू है, टी का, ऐसे भी आ जाएगा। तो दोनों मेथड से आप एक तो 27 में माइनस करके उसका अपोजिट निकाल लीजिए, क्योंकि प्रश्न में विपरीत कह रहा है, ठीक है। या फिर अगर आपने वो लव स्टोरी की तरह याद कर रखा है, कर रखा है, तो सबसे उसको बना लीजिए, मार लीजिए, ठीक है। दो सवाल और आपको हम करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास को यहीं पे इंड करेंगे। तीसरा सवाल, विपरीत क्रम में दाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर, विपरीत क्रम में 13वें अक्षर के 13वें अक्षर के बाईं ओर से 5वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं, चौथा, विपरीत क्रम में दाएं से 13वें अक्षर, विपरीत क्रम में दाएं से 13वें अक्षर के दाएं ओर, दाएं ओर 6वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप एक तो बेसिक मेथड से बना सकते हैं, ए बी सी डी पूरा हम लिख लीजिए और फिर उस हिसाब से आप बना लीजिए, क्लियर है। अब देखिए विपरीत क्रम में 13वें, विपरीत क्रम में 13वें अक्षर के बाईं ओर से, यहां पे एक थोड़ा सुझाव, विपरीत क्रम में दाएं से, यहां पे छूट गया, दाएं से लिखना है, अभी सवाल पूरा हो गया। विपरीत क्रम में दाएं से 13वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे दाएं है यानी प्लस, यहाँ बाएं है यानी माइनस, यानी दोनों का शादी होगा, ये लड़का और ये लड़की दोनों का शादी होगा प्लस, ठीक। यानी क्या प्लस करेंगे, 13 प्लस 5, ठीक है, 13 प्लस 5 कितना हो गया, 18, ठीक है। और 18 यानी 18 का वैल्यू क्या होता है, आर, ठीक है। अब विपरीत क्रम में है तो आर का अपोजिट हम लिखेंगे, तो 18 को क्या करेंगे, 27 में माइनस कर दीजिए, ठीक है। 18 को क्या करेंगे, 27 में माइनस कर देंगे, बचा कितना, 9, और 9 किस लेटर का वैल्यू है, आई, यानी आर आपका आंसर क्या हो गया, आई, ठीक है। और वैसे भी कहानी के माध्यम से आर का उल्टा क्या आता, आई आता, ठीक है, जो मैंने बताया था इंडियन रेलवे। अब इस सवाल को देखते हैं, विपरीत क्रम में दाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 6ठा अक्षर क्या होगा, दायां यानी प्लस, दायां यानी प्लस, यानी लड़का लड़का है तो शादी होगा नहीं, ठीक है, शादी नहीं होगा तो भाई माइनस होगा, माइनस होगा तो किस में माइनस होगा, 13 माइनस 6 कितना आ गया, 7, ठीक है। और 7 का वैल्यू क्या होता है, किस लेटर का वैल्यू होता है, 7, जी का। अब यहां पे विपरीत क्रम आ गया तो जी का उल्टा बताइए, जी का उल्टा क्या होगा, तो जी का उल्टा मालूम करने के लिए 27 माइनस जी का वैल्यू 7 है, 7 माइनस कर दीजिए, आ गया 20, ठीक है, 20 का क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। इस क्लास, ये जो क्लास है बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट किए हैं, इस क्लास को एज ए डेमो, डेमो के रूप में हम यूट्यूब पे इसे अपलोड किए हैं, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा और बताए हुए चीज़ें, हर चीज़ें आपको समझ में आ रहा है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर दिया ही गया है, ठीक है, आप मोबाइल नंबर 888-27-555-63 पे कॉल कीजिए, और कॉल ना लगे तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए,
ठीक है, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से टोटल एग्जाम प्लस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे टाइप वन के सारे प्रश्न को। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टाइप वन लेकर आएंगे, दूसरे वीडियो में टाइप टू और तीसरे वीडियो में टाइप थ्री, यानी चार वीडियो में ये चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। पहले वीडियो में आज पहला क्लास था, तो इसमें हमने क्या किया, बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया। इतना भी आप जितना हमने अभी बताया एक वीडियो, अगर एक वीडियो को भी आप बार बार रिविजन कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए मुझे इजाजत, जल्द ही मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।